अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सारे सबूत और इन दोनों की गवाही से हम बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्रिमिनल है। ये IVF का गलत उपयोग करके गैर कानूनी तरीके से प्रेग्नेंट हुई है। इसे बच्चे की कस्टडी तो मिलने से रही। ये लड़की ना मानसिक रूप से स्वस्थ है और ना ही इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है। इसीलिए बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली से छीन कर बच्चे के कानूनी बाप यानी हैदर जी को मिल जाएगी। कभी नहीं होगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, समझा? मैं हैदर की बीवी हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। बीवी होने का रिश्ता भी बहुत दिन तक कायम नहीं रहने वाला गजल। बहुत जल्द हम जज साहब को बताएंगे कि कैसे तुमने साजिश करके हैदर को निकाह करने पर मजबूर कर दिया। और फिर पहली ही पेशी में जज साहब बता देंगे कि तुम्हारे और हैदर के बीच कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारा निकाह रद्द कर देंगे। हैदर को पाने का ख्वाब छोड़ दो गजल। बहुत जल्द तुम्हारा और हैदर का ये बेजान रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। मैं हैदर को नहीं खो सकती। हैदर को नहीं खो सकती। हैदर कभी तुम्हारे करीब थे ही नहीं गजल, तो उनके दूर जाने का अफसोस क्यों कर रही हो? से मेरा शौहर छीना था गजल। खुदा का इंसाफ देखो। सारे हिसाब किताब बराबर होने वाले हैं। तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाला है। तुमने मेरे लिए यही बद्दुआ की थी ना? मेरा नाम दुआ है और मैं कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगती। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो मारने पे आते हैं ना, तो कहीं का नहीं छोड़ते। तुमने हम पे इतने जुल्म किए, इतने गुनाह किए हैं, आज खुदा हर एक गुनाह का हिसाब बराबर कर रहा है। तुम मेरे बांझपन का मजाक उड़ाती थी ना, देखो आज खुदा ने मुझे दो बच्चे दे दिए। एक मेरा और एक तुम्हारा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ गजल, जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ उससे कई ज्यादा मोहब्बत मैं इस बच्चे से करूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।